संत मावजी महाराज की पुण्य धरा पर कुर्मशिला पूजन हुआ संपन्न। प्रयागराज बेणेश्वर धाम स्थित बेणेश्वर महादेव मंदिर का आयोजन। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड अंतर्गत त्रिवेणी संगम वागड़ के प्रयागराज और आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम पर महादेव मंदिर का कुर्मशिला पूजन एवं शिला स्थापना कार्यक्रम श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा के संत उदयराम महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान मुकेश लक्ष्मण लाल बोई सागवाड़ा और बेणेश्वर शिवालय अध्यक्ष बलवंत सिंह द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आचार्य पंडित चंद्रकांत शुक्ला, नवीन भट्ट, मदन भट्ट, कमल भट्ट, संजय पाठक, सत्यनारायण व अन्य आचार्य के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन हुआ। मंदिर के शिल्पकार दुष्यंत सोमपुरा ने बताया कि 941 वर्ष बाद होने वाले महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन दो दिन पूर्व बलवंत सिंह वलाई द्वारा किया गया था। अन्य शिलाओं के सहयजमान नरेश नर्मदा शंकर भट्ट सांवलिया, देवी सिंह पचलासा, विद्या शंकर जानी, ईश्वर सिंह जोगीवाड़ा, जगदीश मांगीलाल भावसार, महावीर रावल, मान सिंह भटवाड़ा, हितेश मनोहर सेवक, शांति देवी कन्यालाल पंचाल, हरिहर भावसार, डायलाल सेवक, विष्णु उपाध्याय, दुलजी राजू कलाल, ललित सेवक साकर, महेंद्र उपाध्याय, खेमजी भाई, सीपी सोमपुरा, बेरा मोगजी बुनकर, महावीर नाथ, धननाथ, पुष्पा देवी, रमेश जय नारायण, धरनीधर शास्त्री, भोपाल सिंह वाघेला, रमाकांत शंकरलाल भावसार, लक्ष्मण मीना आदि थे। कार्यक्रम में सचिव सुरेश शर्मा, कांतिलाल व्यास, गुमान सिंह, कल्पेश जगदीश, भरत राम सिंह, विक्रम सिंह, भगवान सेवक मोहन नाथ ओकार, देवी सिंह, हरीश, विपिन सेवक, कुलदीप जानी, रजत उपाध्याय, चिराग जानी, संतोष सोड़ा, भूपेश शर्मा एवं कई माव भक्त उपस्थित थे। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम शिला की पूजा करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और घर में शांति और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शालिग्राम शिला से आत्मा की शुद्धि होती है, कई प्रकार की बाधाएं भी दूर होती हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।